स्वागत है आपका 7i न्यूज में। मैं हूँ वर्षा। कमलनाथ सरकार के खिलाफ घंटानाद आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 9 महीने हो गए हैं और भाजपा पहला बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ 11 सितंबर को होने वाले इस आंदोलन का नाम घंटानाद दिया गया है। इस आंदोलन में जिला स्तर पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, जनता के हितों की तो सरकार को चिंता ही नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बना रही है। भाजपा 11 सितंबर को कांग्रेस सरकार को नींद से जगाने के लिए आंदोलन करेगी। 11 तारीख को घंटानाद आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरने जा रही है। उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर भी हम अपनी रणनीति तय कर रहे हैं और जनता के बीच में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। आंदोलन में कार्यकर्ता घंटा मंजीरे लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। हर जिला केंद्र पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आंदोलन का नेतृत्व भी करेंगे। इस आंदोलन के लिए प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, सांसद प्रज्ञा ठाकुर, संपत्ति उइके सहित अन्य नेताओं को जिले का प्रभारी बनाया गया है। आंदोलन के लिए उमा शंकर गुप्ता को मुरैना का, वेद प्रकाश शर्मा को भिंड का, सांसद संध्या राय को दतिया का, भूपेंद्र सिंह को ग्वालियर नगर और ग्रामीण का, जय सिंह कुशवाहा को श्योपुर का, पूर्व मंत्री माया सिंह को शिवपुरी का, प्रदीप लारिया और सांसद केपी यादव को गुना का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भाजपा की ओर से कई आंदोलन किए गए, लेकिन यह आंदोलन क्षेत्रीय रहे। 11 सितंबर को भाजपा का यह पहला बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन के जरिए भाजपा अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।